ऋषभ दत्ता एक ऐसा प्रतिभावान, एक ऐसा होनहार लड़का जो 2019 का सोशल मीडिया सेंसेशनल बन गया था। भगवान उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी कर रहा था। भगवान उनके स्वरों में वो आवाज दी थी जिससे वो एक अच्छा सिंगर बनने का सपना बांध के रखा था। लेकिन दुखद खबर आज ये आ रही है कि आज वही सोशल मीडिया सेंसेशनल बॉय आज इस धरती पर नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बच्चों ने, जिस लड़के ने अपने फ्यूचर में भारत के लिए कुछ करने को सोचा था, भारत में अपनी सिंगिंग को लेकर लोगों को बताने वाला था, अपना करियर बनाने वाला था, आज वो हमारे साथ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऋषभ दत्ता कौन था। ऋषभ दत्ता असम का एक होनहार लड़का था जो असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के काको पुथार का रहने वाला था। मैं बता दूं कि जो ऋषभ दत्ता है वो 2019 से ही अपनी बीमारी से ग्रसित था। शुरू में उसे बोन मेरो में प्रॉब्लम हुआ, बाद में उसे ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया। अगर आपको ए प्लास्टिक एनीमिया पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा बीमारी होता है जब शरीर आपकी ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिंगिंग नहीं छोड़ी। आपने अगर उसका लास्ट वीडियो देखा होगा तो उन्होंने अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, जो ऐ दिल है मुश्किल की गानों को आप सुनकर बता सकते हैं, जान सकते हैं कि उसकी गानों में कितनी मिठास थी। आखिर उसने जो सपने संजोए थे क्या वो सच में साकार होने वाले थे? लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। लास्टली कल उन्होंने बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में अपना लास्ट समय जिया। लास्ट समय तक उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को उन्होंने मनोरंजन कराया, गिटार पे उन्होंने गाना गाया, लोग खुश हो गए थे कि अब ऋषभ दत्ता अपनी बीमारी से हील कर रहा है, जल्दी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि ऋषभ दत्ता जैसे है होनहार छात्र, होनहार लड़के आज हम लोगों के बीच नहीं है। मैं बता दूं कि उसके हेल्प के लिए बहुत सारे लोग उन्होंने डोनेट किए। जैसे कि आपको बता दूं कि 2019 में असम सरकार ने खुद 50,000 रुपया डोनेट किए थे कि ताकि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। बहुत सारे डोनेशंस आए लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, ना उनकी बीमारी ठीक हुई, ना आज वो हमारे साथ ऋषभ दत्ता है। मैं अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से ऋषभ दत्ता को और उसके परिवार को बताना चाहता हूं कि ये भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन आप जैसे उनकी आवाजों को, उनकी हर एक बातों को हम लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। उनकी हर एक यादें, उनकी हर एक गाने अभी तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।